गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग मैम। कैसे है सब? अब मैं बताती हूँ गिफ्ट पेपर किस तरीके से कट करना है। ये हमारा गिफ्ट पेपर है पूरा, ओके। इसका हाफ करना है, हाफ करके कट करना है। हाफ करके इसको कट करना है पहले। ये हमारे दो पार्ट्स निकल गए। एक पार्ट बोलते हैं साइड में, सेकेंड पार्ट में से और हाफ करना है। ये साइड का हमारा पेपर बना दो पार्ट करने के बाद, अब इसमें से और हाफ करना है, इसको कट करना है। मतलब के पूरा एक पेपर में फोर पार्ट्स करने हैं। कितने फोर पार्ट्स होंगे आपके सबके? एक पेपर में फोर पार्ट्स होंगे। एक पेपर में इतने फोर पार्ट्स हो गए। अब इस एक पेपर में हमको फोर पार्ट्स बनाने हैं और इस तरीके से। पहले टू कट करते हैं। पूरे कंप्लीट पेपर में 16 कोन्स बनते हैं, 10 रुपए के पेपर में 16 कोन बनते हैं। मतलब के 16 कट होने चाहिए आप लोगों के। इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर। ओके क्लास, समझा? एक पेपर में 16 कट्स होने चाहिए इस साइज के।
ये पेपर 16 कट होने चाहिए। ग्रुप में फोटो भेजती हूँ लंबाई और चौड़ाई का। हमने पूरा पेपर कट कर लिए बना रहे। ये हमारा पेपर है, ठीक है। अपने साइड से लेंथ में रखना है, तो 16 इंच लेंथ हुई है ना अपने पेपर की। अपने साइड से स्ट्रेट वैसे रखना है, तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से 3 फिंगर की लेंथ लेनी है। फिर वहां पर हम पेपर पकड़ेंगे, इतना पेपर 3 फिंगर का है ये छोड़ देना है, यहाँ पर पेपर पकड़ना है, उसके सामने वाला पॉइंट पेपर का थोड़ा सा हाथ के को हमारे सामने लेंथ में पेपर रखना है, फिर 3 फिंगर लेना है लेफ्ट हैंड साइड, लेंथ छोड़कर पेपर को पकड़ना है। अब उसके सामने वाला पॉइंट लेकर यहाँ टर्न करेंगे अंदर के जाने। मैंने पेपर उठा के हाथ में पकड़ ली, अब लेफ्ट वाले हैंड को मैं लूज छोड़ रही हूँ। लूज यानी इतना भी लूज नहीं कि हमारा पेपर निकल जाए हाथ से, हल्का सा लूज छोड़ना है कि पेपर अंदर हाथ में घूमे। अब इसमें थंब डाल रही हूँ और अंदर के पेपर को घुमाना है सिर्फ, ठीक है। इतना घुमाना है। स्टार्टिंग में हमने 3 फिंगर की लेंथ छोड़कर लिया थे ना ये हाथ, एंड में भी 3 फिंगर की लेंथ ही छूटनी चाहिए। और फिर इसको राउंड करके ये वाला हिस्सा बड़ा नहीं रखना है, जितना थंब का साइज है हमारा, हमारा थंब इजीली अंदर बाहर हो, इतना ही साइज रखना है, बड़ा नहीं रखना है, ओके। और अंदर वाले पेपर को जब हम अंदर की साइड खींचेंगे तो हमारी नोक बारीक होगी, बाहर साइड से थोड़ा लूज करेंगे तो नोक मोटी होगी। नोक चेक करने का तरीका इस तरीके से है, हाथ नीचे रखना है, कोन को उल्टा पकड़ना है, और फिर यहाँ से जब हमारा हाथ दिख रहा है तो समझ लेना हमारे कोन की नोक छूट गई, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, जिसको नहीं समझा देख लीजिए। यहाँ पर लेफ्ट में पेपर रखना है, लेफ्ट हैंड साइड से 3 फिंगर लेना है, पेपर छोड़ देना है, यहाँ पर पेपर पकड़ लेना है 3 फिंगर का पेपर छोड़कर। अब उसके सामने वाले साइड लेफ्ट हैंड साइड ही उसका कॉर्नर पेपर का वो लेकर फोल्ड करना है, लेफ्ट हैंड को थोड़ा लूज छोड़ना है कि पेपर हमारा अंदर घूम सके, तरीके से पेपर अंदर की साइड घूम सके, ठीक है। इतना हो गया।
अब स्टार्टिंग हमने थ्री फिंगर छोड़कर लिया था ना पेपर, एट में भी हमारा थ्री फिंगर का एक पेपर छूटना चाहिए। ये इतना बड़ा हो रहा है, ये इतना बड़ा नहीं लेना है, तो हमारे थंब के साइज का करना है। अंदर से सिर्फ पेपर घुमाते जाना थंब डालकर, ठीक है। ये इतने साइज का होना चाहिए कि हमारा थंब जा सके उसमें, बस इससे बड़ा नहीं लेना है। अब सेकंड बार इसका अंदर के पेपर को हम अंदर साइड खींचेंगे, बाहर साइड ऐसा खींचेंगे तो ये नोक पतली होगी। और इसे यहाँ से ये हमारे हाथ से थोड़ा लूज करेंगे पेपर को तो नोक मोटी होगी। और इस तरीके से कौन भी नोक चेक करती है, ठीक है, समझा सबको। अब एक पेपर लेना है, बाकी सब पेपर उठा कर रख दीजिए और उसी पेपर को बार बार खोलिए, बार बार बनाइए। क्लास फिर से बता रही हूँ, एक बार देख लीजिए। हमारे साइड से लेफ्ट में कौन पेपर रखना है, लेफ्ट हैंड साइड से थ्री फिंगर छोड़ना है, कौन पेपर को पकड़ना है, उसी पेपर लेफ्ट हैंड साइड का ही लास्ट पॉइंट पेपर का वो लेकर फोल्ड करना है, पेपर हाथ में पकड़ना है, लेफ्ट हैंड को लूज छोड़ना है कि पेपर घूम सके अंदर की तरफ, इसमें थंब डालना है और पेपर को घुमाना है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने थ्री फिंगर का पेपर छोड़े थे तो एंड में भी हमारा थ्री फिंगर पेपर ही छूटना चाहिए, तो पूरा फोल्ड कर देना है, राउंड कर देना है। ये ऊपर का हिस्सा बड़ा हो रहा है, अंदर की तरफ पेपर में हाथ डालकर हम जा सके, इतना ही साइज का पेपर होना चाहिए, ठीक है। ऊपर साइड से ये कौन सी नोक चेक करना है, ये तैयार हो गया हमारा, ठीक है। अभी आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्लास इस पेपर को ट्रांसपेरेंट गिफ्ट पेपर कहते हैं। और कल क्या क्या चीज लेकर आना है सब लिख लीजिए। मेहंदी पाउडर लाना है कल, एक प्लास्टिक का डब्बा जो बंद हो सके, पैक हो सके, एक स्पून और एक पानी की बोतल, ये चार चीज अपने साथ लेकर बैठना है कल सबने, ओके। ओके मैम। मैम प्लास्टिक का डब्बा कितना चाहिए, छोटा या बड़ा? नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल साइज। मैम नीलगिरी की बोतल लानी है। नीलगिरी बाद में यूज होंगी, मैं कह दूंगी जिस दिन लानी है उस दिन। ओके ठीक है, ओके मैम। अभी हमें सिर्फ कोन के लिए रेडी करके रखना है, मेहंदी को कल भिगोना है, तो मेहंदी पाउडर, प्लास्टिक का डिब्बा, एक स्पून और पानी की बोतल, ये चार चीज लाना है। मैम ये मेहंदी का पाउडर मिलता का है? कोई भी शॉप में मिलेगा। ओके मैम।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही मैम। मैम आपका माइक म्यूट है। फिर से बताती हूँ, फोन बना लेना है, उसकी पॉइंट देखना है, ठीक है। अब थ्री फिंगर का पेपर छूट रहा है ना, यहाँ पर थोड़ी सी सेलो टेप लेकर उस पेपर पर लगाना है और राउंड करना है इस तरीके से, ठीक है। और एकदम फिनिशिंग से लगाना है कि दिखनी भी ना चाहिए हमने सेलो टेप लगाई है। ये यहाँ पर हो गया। अब कोन के ऊपर साइड में, बैक साइड में ये पेपर छूट रहा होगा सबका, सबका छूटेगा। ये पेपर पे हमें स्ट्रेट लगानी है, टेप लेना है और उसके ऊपर स्ट्रेट लगानी है। सिर्फ दो सेलो टेप में हमारा कोन बन गया। बनाइए आप लोग भी, सबको समझा?